दोस्तों गाड़ी स्टैंड मार के रखा हूँ मैं। लाइटिंग का ब्राइटनेस देखो उसका कितना ज़्यादा है कि बहुत पावरफुल लाइटिंग आती है इसकी। क्लैरिटी से दिखने के लिए पूरा कैप्चर कर डालता है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सेमेस्टर चैनल। माय नेम इज शिवनीर बाशा, नंबर ब्लैक इज रेडी। दोस्तों ये C6H4 बल्ब है, ये LED का हेडलाइट बल्ब है। इसका लाइटिंग फेल हो गया है एक बल्ब में। इसमें बाइक को डालते समय ये हाई वोल्टेज आके तो और कुछ प्रॉब्लम होकर ये जल गया है। इसको चेक करके दिखाता हूँ ये कहीं जला है, क्या वहाँ से जला है, आपको ये कैसा वर्क करता है। ये तो वर्क करना भी पूरा हो गया इसका काम। ये देख सकते हैं आपको एक तरफ पड़ रहा है लाइट, एक तरफ नहीं पड़ रहा है। और एक मैं डाउन लगा के दिखाता हूँ, डाउन पे इधर वीक पड़ रहा है, इधर फुल पड़ रहा है, देख सकते हैं आप। ये यही प्रॉब्लम आया है इसमें, ये स्ट्रिप्स LED स्ट्रिप्स बोलने का फेल हो चुके हैं। अब मैं इसको ये स्ट्रिप्स बदलाने जा रहा हूँ। मेरे पास और एक पुरानी लाइट थी उसके फेल हुआ था वो भी, ये उसमें वायरिंग टेक्निकल प्रॉब्लम है। ये स्ट्रिप्स तो बहुत अच्छे हैं, इसके स्ट्रिप्स सुधार लेंगे। अब हम इसको कैसा रिमूव कर कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं, कैसा खोलते हैं इसको, ये रिमूव कैसे करना चाहिए आपको दिखाता हूँ। इसको इधर आपको रिबिट दिख सकती है, ये रिबिट है आप नॉर्मल, ये ऑलरेडी मैं इसको होल करके रिबिट रिमूव कर दिया हूँ ड्रिल मशीन के सहायता से। आप देख सकते हैं ड्रिल मशीन मेरे पास, इसको कोई सी भी बिट डाल के हमें 0 साइज़ की 2 नंबर 3 नंबर डाल के ड्रिल कर सकते हैं। इधर ऐसा आपको ड्रिल करना पड़ेगा, ड्रिल करने से पूरी बिट रिबिट निकल गई। अब इधर भी हम ऐसा ही रिमूव कर सकते हैं इसको, ऐसे इसको लगा के इधर ड्रिल करने से ये घट जाएगा, आपको ये निकल जाएगा। आपको नॉर्मली सील कैसा रहता है तो ऐसा रहता है दोस्तों, आप देख सकते हैं इधर एक रिबिट, इधर एक रिबिट रहता है, ऐसा ही इधर भी रहता है। इसको हम होल करके रिबिट कर लेना पड़ेगा, नहीं तो आप नॉर्मल साइज 1 नंबर बिट डाल के होल करके कर ले सकते हैं आप। इसको मैं रिबिट ये काट चुका हूँ, अब इसको पूरा रिबिट निकाल के दिखाता हूँ आपको। इधर से प्रेस कर डाले तो ऑटोमेटिकली निकल जाता है रिबिट। ये देखो दोस्तों रिबिट निकल गया है, देख सकते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं ये पूरा मैं ये रिबिट्स इसमें से निकाल लिया हूँ। इसको होल पूरा बहुत ज़्यादा पड़ा है, आप देख सकते हैं इसका होल बहुत ज़्यादा पड़ा है। इसको क्या प्रॉब्लम नहीं, होल ज़्यादा पड़ने से हम नट बोल्ट सिस्टम सेट कर लेंगे। इसको हम ओपन करके दिखाता हूँ आपको, इसको ऐसा पुश करने से ये ओपन होता है। इसके बाद हम ये रिमूव कर लेने से ये ऑटोमेटिकली बाहर गया था। इसको हम ऐसा बाजू रख देंगे, इसके अंदर देख सकते हैं आप तो कूलिंग क्रिस्टल फैन दिया है इसमें, और ये आके रेड कलर का दिया है। नॉर्मली इसको ब्लैक देता है, इसके अंदर मदरबोर्ड्स दिया है, मदरबोर्ड में डायोड्स, कैपेसिटर्स और स्ट्रिप लाइट्स, और एक ये पुराना वाला मदरबोर्ड का लाइटिंग सिस्टम है। इसके अंदर उतना सिस्टम क्या दिया नहीं, इसके अंदर दिया सतना, और इसका डिज़ाइन बहुत डिफरेंटली है। और इसका फैन आके आपको ब्लैक दिख सकता है, उसका रेड दिख सकता है आपको, सेम प्रोसेस भी दे नहीं, एक ही प्रोसेस में काम करते हैं। इसका लाइट जिंग आके है, इसका अच्छा है। अब इसका रिमूव कर लेकर लाइट्स इसमें इंस्टॉल करेंगे। ये आपको एक कैसा रिमूव करते हैं, कैसा इंस्टॉल करते हैं आपको दिखाता हूँ। आपको रेडीमेडली भी मिल गए तो क्या, अभी टाइम सेव होता है दोस्तों, आप रेडीमेड भी परचेस कर सकते हैं ऑनलाइन में। हमको तो नहीं मालूम ऑनलाइन लिंक, आप ऑनलाइन में इसका फ़ोटो देख के परचेस कर सकते हैं। आपको ऐसा ये रिमूव कर लेना है, ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है। ये देखो दोस्तों रिमूव हो गया है। अब इसके बाद हम और एक नीचे का ओपन करेंगे, इसको सॉल्डरिंग मशीन से हीट करके काट लेना चाहिए आपको। हाँ तो ज़रूर कर लीजिए, नया तो मैकेनिक के पास करवा लीजिए। दोस्तों इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों इस वीडियो की किसी तो सख्त ज़रूरत है, तो अच्छा काम करेगा ना दोस्तों वीडियो। आपको ये ऐसा ही दो ये निकाल लेना चाहिए, आप निकाल लेना दोस्तों, देख लेना आप कैसा निकालते हैं। इसके बाद इसको ऐसा बाजू में रखेंगे, इसी तरह इसको भी हम निकाल लेंगे। इसको निकालने के लिए पहले हम पेस्ट लगा लेंगे, इसके ऊपर पेस्ट कुछ भी नहीं दिख रहा है, पेस्ट लगा लेंगे। पेस्ट लगाने से इसके ऊपर डस्ट क्लीन हो जाके सॉल्डरिंग मशीन से जल्दी से रिमूव हो जाता है। हमको पूरा सल इसमें काम हो जाता है दोस्तों, आपको ये निकालेंगे। और एक बात पूरा ध्यान से करिए दोस्तों, आपको हाथ जलने जैसा पूरा सॉल्डरिंग मशीन से हाथ बहुत जलते हैं, केयरफुल से करना। मैं स्टार्टिंग में बहुत हाथ जला रहा हूँ नवे में, इसके लिए आपको बोल रहा हूँ केयरफुली बोल के ऐसा रिमूव कर लेना है। इसके बाद हम इसको भी ऐसा ही रिमूव करेंगे, और एक इधर भी ऐसा ही रिमूव करेंगे। तो ऐसा रिमूव करने के बाद दोनों ऑटोमेटिकली बाहर ये आ गया है, इसका और सॉल्डरिंग नहीं गया है, उसके बाद से रिमूव नहीं हो रहा है। हम और इसका सॉल्डरिंग पूरा निकाल लेंगे, ये निकल गया है, आप देख सकते हैं आप निकल गया है ना दोस्तों। अब इसको रिमूव कर लेंगे, सलीज़ ही रहता, हम इसको बाजू रख देंगे। इसको बाजू रख के अब इसको हम इंस्टॉल करेंगे, ये उसी तरह वह इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं इसमें इंजेक्ट हो गया है, अब इसको सॉल्डिंग करेंगे हम। इसको सॉल्डिंग करने के लिए लेड लेना चाहिए ना दोस्तों, लेड ले रहा हूँ तो दिखाने के लिए नहीं, इसमें इसको इधर एक सॉल्डिंग हो गया है देख सकते हैं, और इधर एक सॉल्डिंग करना चाहिए। थोड़ा पेस्ट लगा ले तो और पकी जाएगा सॉल्डिंग, पेस्ट लगा लेंगे इधर बाजू में हम। फिनिशिंग नहीं आ रही सॉल्डरिंग की, इसके लिए पेस्ट लगाना पड़ेगा, इधर भी पेस्ट लगा लेंगे। आप देख सकते हैं आप फिनिशिंग आ रही थी सॉल्डरिंग का, अब देखो दोस्तों फिनिशिंग आ गई ना सॉल्डरिंग की। इसको स्ट्राइट व्यू में सॉल्डरिंग करना है, इसको इधर सॉल्डरिंग हो गया, और इधर इधर बाजू में सॉल्डरिंग करेंगे।
देखो दोस्तों सोल्डरिंग चली जा रहा है, आप देख सकते हैं सोल्डरिंग सलीस में हो चुका है, इधर भी इधर भी एक थोड़ा क्रास बैठ चुका है। अब इसको हम चेक कर लेंगे, एक बार सोल्डरिंग हो गया है ना तो चेक कर लेंगे प्लस माइनस लगा के ये काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। माइनस वगैरह इधर लगाया हूँ, देखो दोस्तों ऑन हुआ है लाइटिंग, और डोन पे लगाया हूँ, दो भी ऑन हुए हैं, अपर डोन दो भी ऑन हो चुके हैं। तो थोड़ा हाइट उठा लेंगे हम दिखाने के लिए, अच्छा रहता है। ये लॉन्ग है ऑन हुआ, ये डाउन है ऑन हुआ। अब इसको और एक सोल्डरिंग भी कर लेंगे हम, और एक सोल्डरिंग इसे इधर लगा के, अभी तक हीट में है दोस्तों मशीन, इसके बीच में दोनों के बीच में कुछ तो रखना जरूर है। इसके लिए मैं ये रख रहा हूँ, ये बहुत बेंड हो चुका है, इसके लिए दोनों के बीच में गैप आने के लिए रखना पड़ेगा, दोनों को सलीस में वर्क हो जाएगा। और इसको हम सॉल्विंग करेंगे अच्छी तरीके से, इधर भी पेस्ट लगा लेंगे पहले बार, पेस्ट तो ये ड्राई हो गया है दोस्तों, नया वाला पेस्ट अच्छा रहेगा। आपको इसको इसमें क्या तो डाउट है तो हमको कमेंट से पूछ लीजिए दोस्तों, आपको कमेंट ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। इधर सॉल्डरिंग हो गया आपको दिखता है, इधर सॉल्डरिंग करेंगे, लेट थोड़ा ज्यादा लेना पड़ेगा उसके वास्ते, सॉल्डरिंग हो गया लेट ले लेता हूँ। अभी सॉल्डरिंग हो चुका है, हो गया दोस्तों सॉल्डरिंग पूरा, आप देख सकते हैं दोनों तरफ सही तरीके से सॉल्डरिंग हो चुका है। अभी थोड़ा क्रास बैठे हैं, और क्रास नहीं हुए तो भी क्या सीधा कर सकते हैं हम, तो इसको और एक बार चेक कर लेंगे हम ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है नहीं वर्क कर रहा है। इसको माइनस वायर में माइनस लगा लिया, अब ये लॉन्ग है, दोनों लाइट पड़ रहे हैं, फिर डाउन है, ये दोनों लाइटिंग ऑन हो रही है, इसकी बहुत ब्राइटनेस याद है दोस्तों। आपको ये गाड़ी में इंस्टॉल करके कैसी लाइटिंग आ रही है वो भी दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें इंस्टॉल करेंगे इसको, इसको इसमें इंस्टॉल करके देखिए ना दोस्तों, हमारा इस वीडियो में आपको सक्सेसफुली वर्क काम हो चुका है। हम इसको इसको इसी तरीके में फिश करेंगे, इसको ऐसा रख के ऐसा पुश करने से ये बढ़ जा रहा है, ये देखा दोस्तों बैठ चुका है, आप देख सकते हैं इसका क्वालिटी पूरा बैठ चुका है। अब इसमें हम स्क्रू पिना सकते हैं, इधर से उधर आके नट बोल्ट सिस्टम कर सकते हैं, अभी फिलहाल ज़रूरत नहीं। अब मैं इसको लाइटिंग ऑन करके दिखाता हूँ, फिर आपको इसकी लाइटिंग ऐसा आ रही है, देखो दोस्तों ऑन हुआ है, ये लॉन्ग डाउन दोनों काम कर रहे हैं सही तरीके से, ये दोनों फेल हो चुके हैं, आप ऐसा बदला ले सकते हैं दोस्तों इसको बल्ब स्टिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। देखिए दोस्तों मैं इसको स्क्रूज डाला हूँ, इधर से एक स्क्रू, इधर से एक स्क्रू, अब पूरा ग्रिपली पकड़ ले चुका है, अब अच्छा स्ट्रांग बैठ चुका है, हमको क्या डरने की ज़रूरत नहीं। अब इसको पीवीएस स्टार सिटी प्लस को फिटिंग करा, आपको दिखाता हूँ इसकी लाइटिंग कैसी आती है कि आप देख लेके इसको बना ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखो दोस्तों मैंने बल्ब चेंज कर दिया है, इसमें एलईडी बल्ब डाल दिया है C6, अब ऑन करके दिखाता हूँ आपको लाइटिंग परफॉर्मेंस, देखो आपको कैसे क्लियरिटी दिखेगी। ये डिपर है, ये डाउन है, ये लॉन्ग है, देखो दोस्तों लाइटिंग कैसे आ रही है। इसमें कार कहने से राइट साइड का लेफ्ट साइड का रहेगा, उसके वजह से ये राइट साइड लेफ्ट साइड रहेगा। देखो दोस्तों इसका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा लाइटिंग का, आपको क्लियरली अच्छा समझ में आ रहा है दोस्तों। आपको गाड़ी स्टार्ट होने से फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा, आपको क्लैरिटी से दिखाता है ये अच्छा ना दोस्तों। अपोजिट गाड़ी है तो भी तुम्हारा रिफ्लेक्टर बोलेगा कुछ भी नहीं प्रॉब्लम होगा, मामूली से वो बल्ब है तो अपोजिट गाड़ी आने से तुम्हारे रिफ्लेक्टर को प्रॉब्लम होगी। ओके दोस्तों गाड़ी स्टैंड मार के रखा हूँ मैं, लाइटिंग का ब्राइटनेस देखो इसका कितना दिया था, कि बहुत पावरफुल लाइटिंग आती है इसकी, क्लैरिटी से दिखने के लिए पूरा कैप्चर कर रहा था।